स्वागत है आपका, मैं हूँ आपके साथ इंद्रजीत कौर। 25 खबर 25 रिपोर्टर के सफर में हम आपको पंजाब हरियाणा हिमाचल जम्मू कश्मीर की सभी बड़ी खबरों के साथ साथ देश की अहम खबरें भी दिखाएंगे। इसके अलावा अच्छी खबर, काम की बात और मौसम का हाल भी होगा। तो आप देखते रहिए देश का सबसे बड़ा न्यूज बुलेटिन 25 खबर 25 रिपोर्टर। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पंजाब से। आज हुई पंजाब कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि पंजाब विधानसभा का मानसून सत्र 8 सितंबर से शुरू होगा और 14 सितंबर तक चलेगा और मानसून सत्र में पंजाब सरकार जीएसटी बिल भी लेकर आएगी। पंजाब कैबिनेट ने 8 सितंबर से 14 सितंबर तक चलने वाले विधानसभा सत्र को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इसमें जीएसटी समेत अन्य महत्वपूर्ण बिल पास होने की उम्मीद है। पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल की अध्यक्षता में पंजाब कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें पंजाब विधानसभा के आगामी मानसून सत्र के मसले पर चर्चा हुई। मानसून सत्र 8 सितंबर से शुरू होकर 14 सितंबर तक चलेगा। विधानसभा का सेशन जिहड़ा पिछली कैबिनेट मीटिंग दे विच डेट फाइनल हुई सी, हुण ओह जिहड़ा सेशन है 8 तरीक तो लैके 14 तरीक तक, 8 सितंबर तो लैके 14 सितंबर तक पंजाब के कैबिनेट मंत्री दलजीत सिंह चीमा ने बताया कि सत्र के दौरान जीएसटी बिल को पास करना प्राथमिकता रहेगी। जीएसटी का भी इशू आ रहा, उदे करके वो भी इस सेशन दे विच होना जरूरी है। सारिया स्टेटा ने अपना विधानसभा दे विच अपना पास करके पहले भेजना होंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो भी होंगी है उदो स्टेटा दी वल्लों जाना जिहड़ी है चीजें जरूरी होंगी, इस करके नैचुरली मुद्दा जाएगा। उधर कांग्रेस पार्टी ने सरकार को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। नेता विपक्ष की तरफ से 1 सितंबर को विधायक दल की मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें पार्टी अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह रणनीति को अंजाम देंगे। जगतार बुल्ला, जी मीडिया, चंडीगढ़। नवजोत सिंह सिद्धू पर सियासत लगातार सरगर्म है। कांग्रेस नेता राजकुमार वेद का जहां नवजोत सिंह सिद्धू के कांग्रेस में शामिल होने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं नवजोत कौर सिद्धू कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों को खारिज कर रहे हैं। पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर राजकुमार बेरका को भरोसा है कि सिद्धू कांग्रेस का ही दामन थामेंगे। सिद्धू को लेकर पंजाब कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता भरोसे के साथ दावा कर रहे हैं कि उन्हें उम्मीद है कि सिद्धू कांग्रेस में ही शामिल होंगे। इस बाबत राजकुमार वेरका सिद्धू के परिवार के कांग्रेस के साथ रहे संबंधों का हवाला भी दे रहे हैं। इन संबंधों का हवाला पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह भी देते रहे हैं, जिसे लेकर नवजोत सिंह सिद्धू ने अब तक अपना मत नहीं रखा है। बावजूद इसके पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि सिद्धू की मंजिल कांग्रेस ही है। एक गल कही है कि कांग्रेस पार्टी दे विच ही उन्हां दा गुजारा है, कांग्रेस पार्टी च ही उन्हां नूं आना चाहिदा है। अगर जे उहदी फैमिली नूं इस गल दे विच कोई इतराज है तो मैं कह नहीं सकदा, लेकिन मैनूं पूरा अज भी भरोसा है नवजोत सिद्धू कांग्रेस दा ब्लड है, कांग्रेस च ही आएगा। उधर वेरका के इस भरोसे को नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी झटका देती दिख रही है। नवजोत कौर का साफ कहना है कि कांग्रेस के साथ उनकी दाल नहीं गलेगी। सिद्धू की पत्नी ने तो यहाँ तक कह दिया कि वेरका सपने देख रहे हैं। ਜੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੁਪਨਾ ਉਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ, ਪਰ ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਅ ਪਾਰਟੀ ਟੂ ਇਟ, ਆਈ ਡੋਂਟ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਕੋ ਲੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਰੇਸ ਮੈਂ ਸਭਸੇ ਆਗੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਥੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਬ ਆਪਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਮੈਂ ਘਮਾਸਾਨ ਮਚਾ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਬੀਚ ਮਜ਼ਦਾਰ ਮੈਂ ਫਸੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੇ ਰਾਜਨ ਗੁਸਾਈ ਕੇ ਸਾਥ ਰਮਨ ਖੋਸਲਾ, ਜੀ ਮੀਡੀਆ। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर आम आदमी पार्टी को ही हो रही इंटरनेशनल फंडिंग की जांच कराने की मांग की है और खत में सुखबीर बादल ने लिखा है कि आम आदमी पार्टी से जुड़े गर्म ख्याली लोग 2017 के विधानसभा चुनावों से पहले पंजाब में गड़बड़ी फैलाने लगे हैं। पंजाब के डिप्टी सीएम ने केंद्र से मांग की है कि आम आदमी पार्टी को बाहरी मुल्कों से हो रही फंडिंग की जांच कराई जाए। सुच्चा सिंह छोटेपुर की आम आदमी पार्टी की फंडिंग को लेकर किए गए खुलासे के बाद ये मामला पूरी तरह से गर्मा गया है। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने आम आदमी पार्टी की फंडिंग के मसले पर गृह मंत्री को पत्र लिख दिया है। पत्र के जरिए मांग की गई है कि फंडिंग की जाँच करवाई जाए। उन्होंने चिट्ठी में लिखा कि आम आदमी पार्टी को विदेशों में बैठे रेडिकल्स फंडिंग कर रहे हैं, जिनका मकसद प्रदेश की शांति को भंग करना है, और ये भी कहा गया कि अगर फंडिंग की जांच की गई तो बेअदबी के मामलों के बारे में खुलासा हो सकता है। उप मुख्यमंत्री की मांग को अकाली दल और बीजेपी ने सही करार दिया है
उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को विदेशों में बैठे रेडिकल्स फंडिंग कर रहे हैं, इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए कि जो इनके फंडिंग है वो बाहर से हो रही है। अब जो बाहर से फंडिंग होती है उसके सोर्सेज का पता होना चाहिए हमेशा ही और डिक्लेयर करने पड़ते हैं, लेकिन इतना तो ज़रूरी है कि वो फंडिंग आई कहाँ से, कौन से लोग हैं जिन्होंने फंडिंग दी है। फंडिंग बारों मंगवाई है और कोई हिसाब किताब नहीं देता है और किसी होर साधरा राही मंगवाई है और वो उन्होंने अपने व्यक्ति कह रहे हैं। तो मेरे ख्याल के जी उन्होंने मानयोग राजनाथ सिंह जी होम मिनिस्टर दिखती है और इनकी जांच होएगी। दूसरी तरफ कांग्रेस और इसके अलावा आम आदमी पार्टी के पूर्व सदस्य प्रोफेसर मनजीत सिंह ने इस मामले को लेकर केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि यह गंभीर मामला है, केंद्र को खुद इसका संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने मांग की कि इस मामले की तुरंत जांच होनी चाहिए कि जे वो फंडिंग हुई है, वो जड़ी उन्होंने चिट्ठी लिखी है। मैं समझना कि ये देते मैं ज्यादा सियासत ना करा तो मैं कहूंगा कि देर आए दुरुस्त आए, इमीडिएट एक्शन करो, इमीडिएट एजेंसियां नु कहो कि इनु फर्स्ट ट्रैक दे ऊपर लैन और इत्ते कार्रवाई करन। ये लोगों नु निराशा करने वाली गल है, इहदी इनक्वायरी होके जे है ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਪਰ ਲੇਤੇ ਹੋਏ ਕਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਕਾ ਖੁਦ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇ ਸਾਥ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ। गुरदासपुर में सुच्चा सिंह छोटेपुर के समर्थन में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मार्च निकाला। सुच्चा सिंह छोटेपुर के समर्थन में उतरे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अपनी ही पार्टी के पोस्टर और होर्डिंग हटाने में जुट गए हैं। सुच्चा सिंह छोटेपुर को संयोजक पद से हटाने के बाद आम आदमी पार्टी में अंदरूनी कलह शुरू हो गई है। पंजाब में छोटेपुर के हक में मार्च निकाले जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के लिए जयकारे लगाने वाले पार्टी के कार्यकर्ता अब उनके पोस्टर फाड़ रहे हैं। पोस्टर में आग लगाई जा रही है और पुतले फूके जा रहे हैं। गुरदासपुर के कस्बा कलानौर में बड़ी गिनती में इकट्ठे हुए कार्यकर्ता और नेताओं का गुस्सा केजरीवाल पर फूटा। प्रदर्शनकारी नेताओं का कहना था कि जब तक छोटेपुर को फिर से संयोजक पद नहीं दिया जाता उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। इस पार्टी ने उन्होंने नाल धोखा किया, बहुत मारा किया, असी जिन्ना भी वर्क करिया ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਛੋਟੇਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਛੋਟੇਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਕਨਵੀਨਰ ਪਦ ਸੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਕੋ ਹਟਾਏ ਜਾਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਉਨਕੇ ਸਮਰਥਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨੇਤ੍ਰਤਵ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਮਹਾਜਨ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। जालंधर में दिन दहाड़े एक फाइनेंस कंपनी में बड़ी लूट को अंजाम दिया गया है। रामा मंडी इलाके में अंजाम दी गई इस लूट की वारदात में लुटेरे करीब 10 किलो सोना और 36,000 रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। जालंधर में एक फाइनेंस कंपनी में दिन दहाड़े बड़ी लूट का मामला सामने आया है। लुटेरों ने फाइनेंस कर्मचारियों को बंधक बना करोड़ों रुपए की लूट को अंजाम दिया। जलंधर के राम मंडी इलाके में एक फाइनेंस कंपनी में दिन दहाड़े करोड़ों रुपए की लूट को अंजाम दिया गया। दिन के उजाले में लुटेरे फाइनेंस कंपनी में दाखिल हुए और फाइनेंस कंपनी से करीब 10 किलो सोना और 36,000 रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। लुटेरों ने लूट को अंजाम देने के लिए फाइनेंस कंपनी में मौजूद कर्मचारियों को बंधक बनाया और हथियारों के दम पर लूट को अंजाम दिया। पुलिस सीसीटीवी के सहारे लुटेरों की खोजबीन में लग गई है। पुलिस का दावा है कि लुटेरों को जल्द ही ट्रेस कर लिया जाएगा। चार पांच व्यक्ति आए, मूने नौजवान आए सीगे ते जिन्होंने इन्हों का गोल्ड इतों इन्हों पासों खो के ते लगभग 30,000 के करीब पैसे इन्हों तो खो के लै गए हैं। ये संबंध में असी हूँ वेरीफाई कर रहे हैं, हले तक इन्हों के DVR वगैरह जांचे नहीं गए हैं। बाहर की गई पूछ पड़ताल तो कोई इदा खो वाली कोई गल हाले तक सामने नहीं आई है।
पर इन्हां दे कहण मुताबिक असीं सारी तफ्तीश कर रहे हैं। लूट की इस वारदात की जांच में जलंधर पुलिस जुट गई है। सीसीटीवी फुटेज की सहायता ली जा रही है और जलंधर पुलिस का दावा है कि जल्द ही लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जलंधर से राजीव वर्मा के साथ महेश ने जी मीडिया। बीते हफ्ते मेवात जिले के डिगरहरी गांव में एक परिवार पर हुए हमले का मामला आज हरियाणा विधानसभा में भी गूंजा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हमलावरों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शे जाने की बात कही। मेवात गैंगरेप डबल मर्डर मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विधानसभा में भरोसा दिया। हरियाणा के मेवात जिले के डिगरहरी गाँव में हैवानियत की सारी हदें पार करने वाली वारदात में शामिल बदमाशों की अब खैर नहीं। सूबे के मुख्यमंत्री ने सदन को भरोसा दिया है कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सीएम ने विधानसभा की कार्यवाही के दौरान बताया कि चार आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और तफ्तीश जारी है। जहाँ तक इस घटना का विषय है, इसमें चार लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और आगे उसकी जो तफ्तीश है वो जारी है। और भी जो लोग इसमें दोषी होंगे उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि कुछ बदमाशों ने डिगरहेड़ी गांव में एक घर में घुसकर दंपति को मौत के घाट उतार दिया था, जबकि परिवार की दो लड़कियों के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल इस मामले में चार बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं, जिन्हें पुलिस रिमांड पर लिया गया है। मेवात के डिगरहेड़ी गांव में परिवार के सोते हुए बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। चंडीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट के साथ कमरजीत सिंह विरक, जी मीडिया। हरियाणा में जल्द ही करीब 20,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। प्रदेश के शिक्षा मंत्री रामबला शर्मा के मुताबिक प्रदेश में शिक्षा के स्तर में और सुधार होगा। हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को जल्द ही दूर करने का दावा किया है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा ने एक बार फिर सूबे के एजुकेशन सिस्टम में सुधार लाने का संकल्प दोहराया है। रामबिलास शर्मा के मुताबिक हालिया ट्रांसफर पॉलिसी की वजह से कुछ स्कूल प्रभावित हुए हैं, लेकिन शिक्षकों की कमी को दूर करने की तैयारी चल रही है, जिसके लिए जल्द ही 20,000 अध्यापकों की भर्ती की जाएगी। एक स्थानांतरण नीति के कारण अभी हम बहुत से हजारों की संख्या में नए अध्यापक, ये बात आपकी सही है कि कुछ विद्यालय वो ट्रांसफर पॉलिसी के कारण बहुत से अध्यापक अपने पसंद के स्टेशन पर चले गए, परंतु आने वाले दिनों में लगभग 20,000 अध्यापकों को हम रिक्रूट करने जा रहे हैं। रामबिलास शर्मा ने बताया कि जीवन में नैतिक मूल्यों का विशेष महत्व है, इसी मकसद से राज्य सरकार ने स्कूल पाठ्यक्रम में गीता के श्लोक शामिल करने का कदम उठाया है। शिक्षा को लेकर के देखिए, हमारा एक संकल्प था और नैतिक शिक्षा में गीता को पाठ्यक्रम में जोड़ने का था, वो हमने कुरुक्षेत्र गीता की धरती पर और सारे राष्ट्रीय संतों की उपस्थिति में उसको जोड़ दिया। शिक्षा मंत्री पंचकुला पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड के नवनियुक्त चेयरमैन गोविंद भारद्वाज के पदभार कार्यक्रम में शिरकत की। रामबिलास शर्मा ने गीता के श्लोक स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने को नैतिक शिक्षा के मद्देनजर बेहद ही महत्वपूर्ण करार दिया है। पंचकुला से कुलवीर दीवान के साथ महेंद्र सिंह, जी मीडिया। कैथल से विधायक और कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा की मनोहर सरकार पर सरकारी नौकरियों में धांधली का आरोप लगाया। हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने रोजगार और पुलिस भर्ती के मसले पर सूबे की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और हरियाणा में पार्टी के विधायक रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा की खट्टर सरकार को नौकरियों के मामले में घेरा है। सुरजेवाला ने आंकड़ों के जरिए खट्टर सरकार पर एक के बाद एक कई आरोप लगाए। सुरजेवाला के मुताबिक हरियाणा में पिछले 22 महीनों में एक भी रोजगार पैदा नहीं हुआ। 22 महीने सरकार संभालने के बाद एक भी रोजगार ना पैदा करने वाली खट्टर सरकार, उल्टा लगभग 30,000 से अधिक रोजगार 22 महीने में छीन चुकी है। अब रणदीप सुरजेवाला जी, जिनकी 10 साल की सरकार रही, उन्होंने केवल 14,000 लोगों को ज्वाइनिंग दी, हम 31 दिसंबर तक उससे ज्यादा दे देंगे, इसके कारण उनको दिक्कत है।
रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा में हुई पुलिस भर्ती में धांधली के आरोप लगाए। सुरजेवाला के मुताबिक भर्ती प्रक्रिया के दौरान कई ऐसे उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया गया जिन्होंने 5000 मीटर की दौड़ 20 मिनट में पूरी की थी, जबकि 24 मिनट में दौड़ पूरी करने वालों को योग्य घोषित कर दिया गया। इसके साथ साथ जिन्होंने 20 मिनट में दौड़ पूरी की ऐसे हजारों युवाओं को इनएलिजिबल अयोग्य घोषित कर दिया और 24 मिनट में दौड़ पूरी करने वाले नौजवानों को योग्य घोषित कर दिया। ये भी बड़ी आश्चर्यजनक बात थी। आज तक ये होता रहा है, नौकरियों में केवल उन लोगों की नौकरियां लगती थी जो सत्ताधारी पार्टी के राजनीतिक कार्यकर्ता होते थे। हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने हरियाणा के 2.5 करोड़ लोगों का जो योग्य होगा उसको नौकरी मिलेगी। कांग्रेस ने हरियाणा सरकार से रोजगार पर श्वेत पत्र लाने की मांग रखी है, जबकि बीजेपी नेता जवाहर यादव ने सारे आरोपों को बेबुनियाद ठहराया है। ललित शर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़। सोनीपत से दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया है। पुलिस इस मामले को हॉरर किलिंग से जोड़कर देख रही है। गोहाना के छिछड़ाना गांव में एक युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। युवक की हत्या को हॉरर किलिंग के नाम से जोड़ कर देखा जा रहा है। गोहाना के छिछड़ाना गांव में एक युवक की पीट पीट कर हत्या का मामला सामने आया है। युवक 11वीं कक्षा का छात्र था और बताया जा रहा है कि उसका गांव की ही एक लड़की के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, लिहाजा युवक की हत्या को हॉरर किलिंग से जोड़कर देखा जा रहा है। मृतक युवक के परिजनों के मुताबिक युवक को लड़की का ही फोन आया था और जब वो उससे मिलने गया तो इसकी भनक लड़की के परिजनों को लग गई और युवक को घर में बंद कर मारा गया। लाठियों से, जेलियों से बहुत बुरी तरह से पीट रखा है मेरे भाई को। अब क्या चाहते हो? हम सख्त से सख्त कार्रवाई चाहते हैं उनके खिलाफ और मेरे भाई को इंसाफ मिले। कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया आपने? छह आदमियों के। हत्या के इस मामले में पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मामले के बाद से आरोपी फरार है। इनका आपस में लड़ाई झगड़ा, चोटें मारी है, इस कारण से मौत हो गई है। नाश का पोस्टमार्टम करा जा रहा है और कार्रवाई में बुलाया जा रहा है। 302, 120 बी, 506 आईपीसी, 34 आईपीसी। कितने लोगों के खिलाफ किया? 6 लोगों। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 3 टीमों का भी गठन किया गया। सोनीपत से राजेश खत्री के साथ दिनेश कुमार, जी मीडिया।